नमस्ते फिल्मावे गाइस, मैं हूं अरविंद एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जनता देखना चाहती है हमारा घर। फाइनली हाउस टूर आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बट हमने इनिशियली फेब में प्लान करा था, बट अप्रैल हो गया दोस्तों, तो इसलिए क्योंकि घर सजाने में और सामान खरीदने में थोड़ा समय लग गया। तो आप देख ही सकते हैं, ये है हमारी बालकनी और यहाँ पे भी कोई भी फर्नीचर नहीं है जो कि हमने प्लान कराया, हम बाद में देंगे। बट चलिए, अंदर शैलजा जी वेट कर रही हैं आप सभी लोगों का, आप सभी विजिटर्स का। तो देखते हैं हमारा हाउस का। नमस्ते एंड वेलकम टू कैफ्रेट्स हाउस। कैफ्रेट्स हाउस अच्छा नाम है भाई। यस, सो गाइस, फाइनली आज हाउस टूर मिल रहा है आप लोगों को। थैंक यू आपके इंतजार के लिए। एक्चुअली यहाँ पे लॉकडाउन था, तो बहुत सारी चीजें थी जो हमें नहीं मिल रही थी, तो फाइनली जैसे ही लॉकडाउन खुला, हमने 3 दिन में ही सारी शॉपिंग कर डाली और अपना घर डेकोरेट कर दिया। हमें तो बहुत अच्छा लगा, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। वैसे आप लोगों को अगर अच्छा नहीं भी लगेगा, रहना तो फिर भी हमें ही है यहाँ पे। रहना तो है ही हमने, राइट। तो ये वाला घर का पार्ट जब आप एंटर करते हैं, जैसे ही आप एंटर करते हैं, यहाँ पे होता है अपने शूज वगैरह खोलने का एरिया, और फिर ये होती है यहाँ पे कवर्ड, यहाँ पे आप अंदर रखते हैं अपने जैकेट वगैरह। ये मैं आपको ज्यादा खोल के नहीं, मेरी फेवरेट जैकेट इसी में है दोस्तों, ये मैं हमेशा पहनता हूँ। ये मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी अभी, पर अगर मेरे को चांस मिला तो ये एरिया में रीडू करना चाहूंगी, क्योंकि तब भी हमने ऐसी सबसे पहली चीज ये कबर्ड खरीदी थी और ये साइज में छोटी आ गई, थोड़े स्टूपिड। और शैलजा क्या बोलते तुम ऐसी चीजों को? आईसोर। मैंने तो पहली बार सुना है वर्ड। आईसोर लगता है मुझे ये देख के साइज की, ये रॉन्ग साइज है, तो अगर मुझको चांस मिले तो आई वुड लाइक टू चेंज इट। अब चलिए आपको दिखाते हैं बाकी का घर। कॉरिडोर एरिया, और लोगों मुझे बेडरूम का डोर बंद करना था। सरप्राइज है दोस्तों, सरप्राइज। सो एंटर करते ही आपको दिखेगा यहाँ पे जायंट सम पीस ऑफ आर्ट। इसका नाम जयपुर था इस पीस का। या, और ये जयपुर से ही आया है। ये हैंडमेड है और ये काले रंग का है। और मैं क्या और इसमें फूल है। और इट्स लाइक डिस्क्राइब अ पिक्चर, राइट? या, और बुद्धा है। ये बिल्कुल जैसे आप वहां जाते हो ना मसाज पार्लर, वैसी फील है, वैसी फील है यहाँ पे। नहीं यार, बट पता क्या, आई थिंक संध्या समय में बुद्धा से पानी जाता हुआ देखना ना बड़ा अच्छा लगता है। इट इज थोड़ा सा मेडिटेटिव, पीसफुल। और ये ऊपर शैंडेलियर हमारे फ्रेंड्स ने गिफ्ट करा था, जो बहुत थॉटफुल था। इट्स वेरी नाइस, सो थैंक यू गाइस। ओके, सो एवा के रूम का टूर हमने दे दिया था, बट एवा अभी किंडरगार्टन से आई है। उसने हमें देखा कि हमने इंडियन अटायर पहना है, तो उसको भी वो ही पहनना था। शी इज रेडी। एवु, आर यू रेडी टू शो अस योर रूम? यस। शो अस, वेयर इज योर रूम? देयर। शो अस, दिखाओ दिखाओ, चलो। दैट वन इज द फ्लावर्स, सो मोस्ट ऑफ हम ऑल गाइस, देयर इज द फ्लावर्स, देन देयर इज अ लाइट, बिकॉज़ आई शो माय न्यू हाउस, सो आई वाज सो एक्साइटेड टू बाय दीस स्टिकर्स, देन आई वाज हैविंग दिस कंपटीशन। And who is that in the pictures? Me, Avu, 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 Avu. So many Avus? Yes. And who sleeps here? Me. Go up and show us. How do you go? Okay, I'll show you. So that is our show. What is this? This is my bedroom. Mm-hmm. And we play with toys. Okay. And we don't make it messy. Okay. And we we don't make it messy. Yes, and we don't hit. We don't hit anybody. Yes. Yes. So go up, climb up. Everybody wants to see where you sleep. I sleep here. Show us, go sleep and show us how do you sleep. Do you sleep alone? Yeah. Are you a brave girl? Yep. How old are you? 3 years old. Then I will be 4 and 7 or 29 soon. Yes. यहाँ पे अब अपना time spend करती है, जब वो आती है kindergarten से, अभी जैसे वो आई है। Thank you.
एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस कर्टन. खासकर आपको पता है सूरज डूबता नहीं है, तो आपको चाहिए ब्लाइंड जो कि ऐसे हों ऑफिस टाइम में, ये करके शांति एकदम, और सुबह के टाइम में उठाओ और ये चले. बाकी ये है जी अलमीरा आवाजी की, ये आई थिंक अच्छी है तो दिखा सकते हैं कैसे चाहिए, और इसने खुद नहीं सजाई है ऑफ कोर्स. और ये है एवा के कुछ कपड़े, and she loves Indian attire, right? yeah. और ये एवा के लिए हमने हुक्स नीचे ही लगाए हैं, सो वो अपने बैग्स वैग्स खुद निकाल सके, और इसमें उसके कुछ पेंटिंग वेंटिंग का सामान है. अब अरविंद क्या दिखा रहा हूँ? अब दिखाता हूँ आप लोगों को हमारा पहला वॉशरूम, और ये मेरा वॉशरूम, ये मेरा घर जो है ऊपर है, जैसे कि मैंने पहले बताया मैं ऊपर ही ज्यादा रहता हूँ, ठीक है. ये है एवा और शैलजा का बाथरूम. तो ये जिन लोगों ने हमारा वीडियो देखा है जहाँ पे सब कुछ खाली था, ठीक है, तो ये जी ये आ गई जी हमारी वॉशिंग मशीन, ये वॉशिंग प्लस ड्रायर वॉशिंग, और ये जो प्लम्बिंग का काम है ये भी सब मैंने खुद ही किया है, ठीक है. तो यहाँ पे फॉरेन में रहने का जो एक खास कर नॉर्वे में जो है कि भाई सब कुछ आपको खुद करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बाहर से बुलाएंगे ना इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो ये छोटे मोटे काम तो आपको खुद करने पड़ते हैं, ठीक है. ये शीशा ये सब, और ये जो है पीस ऑफ आर्ट. तो भाइयों ये है शैलजा जी का, मैं इसमें देखो नोटिस करो मैं इसमें जूते लेके नहीं जाता. अरुण को ये रूम बहुत ही अच्छा लगता है, इतना साफ है ना. मेरे को लगता है कि मैं गंदा ना कर दूं, और मैं इसमें एंटर भी नहीं करता ज्यादा. आइए तो देखिए ये तो ऐसे आई स्वर मैं कोई वो नहीं कर रहा, ये ऐसे लगता है होटल का रूम है. और वो भी महंगे होटल का, सस्ते का नहीं, नॉट टू स्टार, लाइक फोर स्टार तो मैं कहूंगा, ठीक है. तो ये आया जी शैंडेलियर यहाँ पे. इस रूम में कुछ मेजर गड़बड़ है गाइस. हाँ, और इस रूम में ना गड़बड़ है, और वो फ्लॉ है डिजाइन में इसके, तो वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप बताइए इसमें क्या है. इस रूम को अच्छे से देखिए, अभी आपको फुटेज दिख रही है उसकी. और एक और क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए, मेरे घर में कितने तकिए हैं? आप ये गिनिए, इतने तकिए हैं, मतलब मैंने लाइफ में इतने तकिए नहीं देखे. शैलजा ने इतने तकिए खरीदवा लिए भाई पिलोज, तो आप काउंट कीजिए और कमेंट में लिखिए कि कितने तकिए मेरे घर में, ठीक है. तो ये और ये बेड है, मैं जिसपे एक भी रात में इस बेड पे नहीं सोया, ओके. पता नहीं क्यों, और ये चॉइस पर अरविंद की थी, चॉइस मेरी थी, बेड्स की चॉइस मेरी थी. इस बेड की एक विशेष बात है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ वो क्या विशेष बात है, ठीक है. तो अब ये जो है भाइयों, ये है जी अलमीराज, ठीक है. ये मेरी अलमारी है, ये नहीं खोली जाएगी, ये खोली नहीं जाएगी. ये तो सबसे गंदी है, इस घर में सबसे गंदा इंसान मैं हूँ, फिर एवा, फिर शैलजा, और ये है शैलजा, ये फिर रिप्रेजेंटेबल है, बट चलो इसको क्या खोलना, इतना कुछ नहीं है, ठीक है, कपड़े ही होंगे. उसके बाद ये फूल, ये असली है कि नकली, में कोई भी नहीं पता, ये असली है, असली इसका किसका घर है. सॉरी नेहा, इसमें मेरे को नहीं पता, मैं बहुत बिजी रहता हूँ भाई. तो हमने सोचा कि इस घर, इस रूम में खासकर क्यों ना ऐसी फोटोज लगाएं दीवारों पे जो कि हमने खुद से खींची है, ठीक है. तो ये सारी वो फोटोज है, ये है जी शिमला, शिमला की क्लासिक ओबेरॉय, और ये हमारा पिछला घर जो था उसके पास ये एवा, और ये इस चीज को तो आप जानते होंगे, देखिए अगर मैं शक्ल भी छुपा दूं तो भी आप मेरे को पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जैकेट दोस्तों, जैकेट, इस जैकेट से आप मुझे पहचान सकते हैं, ऐतिहासिक जैकेट है जो कि 10 साल और चलेगी. और ये है एवा कैपरेट, और ये है जी शैलजा जी, ठीक है. कर्टन्स अगर आप नोटिस करेंगे डबल कर्टन्स है, कर्टन्स आर डबल, दिन के लिए यूं और रात के लिए तो ये पूरा खींचना पड़ता है, ठीक है. So that is it. और ये देखिए बहुत अच्छा मैचिंग कराया आज, मजा आ गया आज देख के इस रूम को, मैं इतना टाइम इस रूम में कभी स्पेंड नहीं किया, ठीक है. तो भाई ये विशेष बात क्या है वो मैं आपको अब दिखाता हूँ. ये है रिमोट, लेट गए भाई साहब इसमें, और जब आपने यूं करा तो ये गया ऊपर, आहा आनंदमय कोशा, ये आप ऐसे कर सकते हैं.
और ये हमने यूज आई थिंक आज दूसरी बार करा है इसका इस्तेमाल. हाँ दूसरी बार. तो भाइयों ये बेड्स हमने इसलिए लिए हैं ताकि जब मेरे पेरेंट्स या फिर शैलजा के पेरेंट्स आए तो उन लोगों को इट्स बिट इजी. आई थिंक इट्स मोर कंफर्टिंग जो कि थोड़े ओल्ड एज के बंदे. अच्छा अरविंद असली रीजन असली रीजन ये है कि जनरली साइंस ये बोलती है कि अगर आप स्नोर करते हैं आप बहुत ज्यादा खराटे लेते हैं तो अगर आप थोड़ा सा इंक्लाइंड इस पे सोएंगे ना तो आपको खराटे नहीं आते. और इस घर में गाइस एक कोई इंसान है जो बहुत खराटे लेता है जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो दैट इज इसलिए लिया गया है ये मम्मी पापा का फालतू में इसने इमोशनल वाला वो जोड़ दिया. ऑब्वियस यार गिल्टी फील ना हो अपने लिए सब कुछ नहीं करना ना. मम्मा पापा के लिए भी है पर मेन रीजन सिर्फ यही नहीं आप टांगे भी ऊपर कर सकते हैं. दिखाइए दिखाइए मतलब एब्स कर सकता हूँ मैं इसमें राइट वर्कआउट कर सकता हूँ. देखिए कितना सही है वर्कआउट इन दिस. ओ यार इसमें बैठ के नींद आती है. चलो बाकी का हाउसफुल बाद में दूंगा. हेलो यहाँ पे मोस्टली हम लोग कपड़े ड्राई करने को रखते हैं और थोड़ा बहुत ये वैक्यूम क्लीनर ये क्लीनिंग इक्विपमेंट्स वगैरह है. कुछ खास है नहीं इस रूम में. और अब हम चलते हैं लिविंग रूम में. चलन चलन सूरज की किरणें आ रही बहुत अभी. आप चलो तो सबसे पहले देयर इज अ सोफा हियर. हमने ग्रे और ब्लैक और थोड़ा सा ग्रीन थीम ही रखी है घर के. और ये पेंटिंग आप लोगों को कैसी लगी आप बताइए. अरविंद की चॉइस है. मुझे ये पेंटिंग अच्छी लगी पर इसका साइज बहुत रॉन्ग है यार. नहीं नहीं यार मुझे ना मेरे को ये पेंटिंग इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मेरे को मनाली की याद दिलाती है. इसलिए नॉर्मल भी मनाली को मिस कर पाऊंगा. यस तो इस रूम की बात एक मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये शैंडलियर लिया पहले और फिर इस ये मॉडर्न शैंडलियर बोलते हैं इनको. हमें भी लेने के बाद पता चला कि ये वुमन को मॉडर्न चैंडलियर बोलते हैं. और फिर हमने इस चैंडलियर से सब कुछ मैच करने की कोशिश करी. ये थोड़ा रस्टिक सी लुक, इसकी थोड़ी रस्टिक सी इंडस्ट्रियल सी लुक है. तो हमने अब देखेंगे इस रूम में हमने सब कुछ उससे ही मैच करने का ट्राई करा है. और ये शीशे इनके बारे में बताइए. ये शीशे भाई की चॉइस है. ये भी अरविंद की चॉइस है. दो शीशे. इंजीनियर का दिमाग लगा इसमें. इंजीनियर का. एंड दिस यस यहाँ पे है हमारी कैमरा की कलेक्शन. और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस फैमिली. और इसमें बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है फैमिली की. मैं आपको बताती हूँ पढ़ के. इट इज अ बेसिक सोशल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ फ्रेंड्स रिलेटिव्स और एनिमल्स हु लव यू अनकंडीशनली एंड ऑल्सो यूट्यूब फैमिली आई वुड लाइक टू इंक्लूड. और कुछ बुक्स है. प्रोफेसर साहब का घर है. किताबें तो हर जगह मिलेगी आपको यहाँ पे पढ़े चाहे ना पढ़े. यहाँ पे कुछ प्लांट्स असली हैं कुछ नकली है. अब वो आपको गेस करना है कौन से असली है और कौन से नकली है. और भाइयों ये बहुत मुश्किल है. ये तो जो घर में रह रहा है वो नहीं बता सकता है कि कौन असली है कौन नकली. इसलिए टेंशन नहीं लेनी ठीक है. चलो और ये हमारा छोटा सा डाइनिंग टेबल. चार लोगों की ही सिटिंग लिए हमने. इतने ज्यादा कोई लोग आते नहीं. आते हैं तो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. हमें इतना ज्यादा फर्नीचर नहीं चाहिए था घर पे बिकॉज.
और ये सारा फर्नीचर हमने मोस्टली फर्नीचर लिया है, जो लोग नॉर्मल में है उनको मालूम होगा बोहस से लिया है, बोहस और शिदार से, और शिदार से यहाँ पे कुछ और शीशे इस घर में आपको मिलेंगे, बहुत सारे शीशे। तो भाइयों देखो, पहला सवाल था कि मेरे घर में कितने तकिए हैं, अगला सवाल है मेरे घर में कितने शीशे हैं। ये सब आपको बताना है, ठीक है? शीशे और तकिए, जो बंदा सही जवाब देगा उसको अगर आप नॉर्वे आएंगे तो यहाँ पे आपको चाय पिलाऊंगा। ओके वो तो वैसे भी पिलाई देंगे गाइस। यहाँ पे मैं थोड़ी सी शैलजा की तारीफ करना चाहूंगा। देखिए मैं तो मतलब पढ़ने लिखने वाला बंदा हूँ, तो मैं तो रिसर्च करता हूँ, बट शैलजा जो है ना, तो मैं अनपढ़ हूँ। नहीं अनपढ़ नहीं, बट इंटरेस्ट, शैलजा का इंटरेस्ट इस सब चीजों में ना, आर्टिस्टिक चीजों में बहुत है। बेसिकली सब आई थिंक फीमेल्स का होता है मोस्टली। हाँ तो ये जो रिसर्च है ये सब शैलजा ने किया। दिस इज अ कंट्रोवर्शियल वाइन का जो है होल्डर, बिकॉज हमने अपनी बहुत सारी वीडियोज में कहा है कि वी डोंट ड्रिंक, तो कई लोगों ने जो देखा है रूम ऑलरेडी हमारी वीडियोज में, उन्होंने कहा कि पर आपके घर पे तो इतनी सारी वाइन बॉटल्स है, तो ये वाइन की बॉटल्स है जी हमारे गेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे घर पे सब लोग वेलकम है, आप अगर पीते हैं नहीं पीते हैं हम जबरदस्ती पिलाएंगे आपको। मोस्ट वेलकम। और ये भी हमारे बाकी के डेकोर से मैच कर रहा है, और इसी के साथ हमने अपने दो बार स्टूल भी लगाए हैं यहाँ पे, और ये किचन आइलैंड भी हमने अलग से लगवाया था, इसमें नहीं था ये, और ये भी सब कुछ अरविंद ने ही एडजस्ट करा है, अरविंद और मेरे एक और दोस्त ने, निखिल ने। और ये जितने भी आपको इलेक्ट्रिसिटी के ये जो खंभे से दिख रहे हैं, मतलब जितने भी घर की इलेक्ट्रिक ये दिख रहे हैं आपको झूमर झामर, ये सब भाई साहब मैंने और मेरे दोस्त ने लगाए, बहुत मेहनत का काम है यार, बहुत ज्यादा। अब आ गया जी किचन का एरिया, हर फीमेल का फेवरेट एरिया, जरूरी नहीं है। सो दिस इज अ किचन, और यहाँ पे हमारी ये कलेक्शन दिखा देते हैं आपको। कुछ कलेक्शन हमारे धनिया लगे हैं यहाँ पे, बेजल के पत्ते हैं, कुछ पार्सली है और दिल है, तो यहाँ से जब हम खाने के लिए यहाँ से तोड़ के वी कैन जस्ट इजीली पुट। शायद एक क्वेश्चन है, तुमने बाकी सब इंग्लिश में बोला, धनिया की इंग्लिश क्या है? कोरिएंडर। तुमने उसको भी नहीं बोला इंग्लिश में, बोल नहीं। नहीं यार, निकल गया प्रॉब्लम में। ओके और ये कवर्स है यहाँ पे बहुत सारी, एक कवर दिखाओ सैंपल जो तुमने तैयार कर। नहीं, और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे ये सब कुछ कुछ भी नहीं था, लिटरली हमने सब कुछ खरीदा है, ये भी ये जो तुमने सैंपल तैयार करके रखा है, जो सबसे अच्छी तुम्हारी शेल्फ है वो दिखा दो। चलो हाँ। एक शेल्फ, सिर्फ एक शेल्फ। देखिए हमारे घर की सारी शेल्फ ऐसी है दोस्तों, हम बहुत साफ सुथरे लोग हैं। ये सारे सीरियल्स है वो हमारे पास्ता की कलेक्शन है, आप देख सकते हैं कि खाए नहीं है हमने, सिर्फ शो के लिए भर के रखे हैं, और रियल कलेक्शन जो हम खाते हैं, दालें जिनके डब्बे आधे आधे खत्म हो चुके हैं, एक्चुअली में खाते हैं दाल, यस ये दाल की कलेक्शन है यहाँ पे, इसके बाहर का फ्रिज में, ये तो सब लोग जिनने 2-3 कंट्रीज घूमी होती है ऑब्वियसली उनको ये लगाना जरूरी है। दैट इज इट अबाउट किचन, अगर आपके और कोई सवाल है किस चीज को लेकर तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको फिर आंसर कर दूंगी वो। और अब ऊपर का फ्लोर दिखाएंगे। अरविंद, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है कैमरा के सामने, मुझे कैमरा के पीछे ज्यादा अच्छा लगता है, सो आई एम गोइंग इन द बैक। या और अब हम आपको दिखा देते हैं अपनी दूसरी बालकनी। अभी ये बालकनी सेट नहीं हुई है, धूप लगी है मस्त, क्योंकि यहाँ का फर्नीचर हमने अभी खरीदा नहीं है, क्योंकि हमें आप लोग इतना बोल रहे थे हाउस टूर, हमने कहा हाउस टूर दे देते हैं, इसका फर्नीचर जब आएगा तब आएगा। पर यहाँ पे ये है बारबेक्यू, हमने खरीद लिया है ये, भी अभी हमने खोला नहीं है, यहीं पे पड़ा है, जब टाइम मिलेगा तब खोलेंगे। यहाँ पे एवा की बिल्ली जो है वो धूप देख रही है। या सीधे चढ़ते हैं ऊपर के फ्लोर पे जाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है, ठीक है? ये मैट्स एंटी स्लिप मैट्स होते हैं, इसीलिए सब में लगाए होते हैं, ये हर घर में आपको दिखेंगे ताकि स्लिप ना हो, कॉमन सेंस। सबसे पहले तो वॉशरूम ही दिखा लेता हूँ, ठीक है? जो मेरा वॉशरूम है जहाँ पे भाई नहाता है, ये है जी वो वॉशरूम। तो इस घर की सबसे अच्छी बात हमें ये लगी थी कि यहाँ पे दो फुल फ्लेज्ड
वॉशरूम्स हैं। ये रूम क्या है, ये है एवा का फेवरेट रूम। एवा पूरे घर में आप पूछ लीजिए कौन सा है, वो है इसका स्टोर रूम। एवा हमेशा मेरे को बोलते पापा लेट्स गो टू द स्टोर रूम। आई नो हमारा ये स्टोर रूम है, बट एवा का ये हमने थोड़ा क्या करा इसको प्ले रूम। नहीं यहाँ पे एक्चुअली हमने एवा के सारे पुराने खिलौने रखे थे और एवा ने एक दिन ये रूम खोज लिया और उस दिन से ये इसका प्ले रूम बना दिया। तो वो अपने घर में सिर्फ सोने के लिए जाती है उस रूम में और ये है उसका प्ले रूम, यहाँ पर खेलती है वो। और एक्चुअली दिस इज अ स्टोर रूम फॉर अस। उसके बाद आ जाइए जी, उसके बाद पहले आप यहाँ से जब देखते हैं तो आपको दिखता है ये रेंडियर। या ये रेंडियर, ये वाला रेंडियर। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ यहाँ, ठीक है? ताकि थोड़ा रुको रुको रुको, क्या इसकी शक्ल तुमसे क्यों मिल रही है? इसकी इसकी हाँ पर सही है, ठीक है। चलिए तो ये वाला रूम एंड में दिखाऊंगा आपको बाद में चप्पल खोल के। ओके फिर यहाँ पे आते हैं, ये है जी बड़ा वाला हमारा, यहाँ पे मुस्तू है। इट्स लाइक अ फैमिली रूम, ये फैमिली रूम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा खाली स्पेस भी है, वो हमने जानबूझ के रखा है क्योंकि एवा को जो है यहाँ पे हमने कोई सेंटर टेबल नहीं रखा हुआ इसलिए, क्योंकि ये वाला टेबल जो है ये मूव हो जाता है और वो फूल वहाँ पे जबरदस्ती रखे गए हैं आज हाउस टूर के लिए, इसलिए यहाँ पे नहीं होते वरना, ये नहीं होते यहाँ पे, ठीक है? तो ये फेक है बट चलिए। और ये वाला एरिया देखिए, यहाँ पे जब समय मिलता है तो योगा का सामान, थोड़ा एक्सरसाइज का सामान है यहाँ पे, भाई योगा करता है सुबह सुबह। एवा का स्टूल और चेयर और टेबल है, कभी वो यहाँ पे बैठे कुछ ड्राइंग वॉइंग ड्राइंग या डिनर भी कर रहा हूँ तो समटाइम्स शी कैन कम ओवर हियर। तो भाइयों अब मैं जो हूँ अपने घर के फेवरेट पार्ट में आ चुका हूँ। ओके तो ये क्या है, ये है जी हमारा मंदिर। ये बहुत बहुत अच्छा है। और ये अच्छा क्यों है, बिकॉज ये जो है ये हमारे शिमला साइड में जो है ना, ये हमारे ऐसे गांव के मंदिर ऐसे होते हैं, मतलब ये थोड़ा पुराना है क्योंकि अब नया जो है ये मंदिर बन चुका है, बट दे लुक समथिंग लाइक दिस। ओके और लकीली अगर आप देखेंगे इस मंदिर का डिजाइन काफी ज्यादा इससे मिलता है और यहाँ पे शाम को पूरा परिवार मिलके पूजा करता है, रोज की रूटीन है हमारी ये। जी हाँ तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ थर्ड बेडरूम। आपको दिखाता हूँ अपना होम ऑफिस। हमने एक वीडियो जो है मेरे होम ऑफिस पे अलग से बनाया है तो प्लीज चेक इट आउट, बट छोटी सी टूर जो है होम ऑफिस का वो ये है। देखिए यहाँ पे बैठ के होंगे बड़े बड़े आविष्कार पता नहीं आविष्कार होंगे नहीं, और स्ट्रिक्ट मार्किंग बच्चों के लिए बहुत स्ट्रिक्ट। लाइट यहाँ से ऑन करी, ठीक है? कंप्यूटर एवरीथिंग इज देयर। और ये है जी मेरी कलेक्शन ऑफ बुक्स। ये था हमारा हाउस टूर, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब बात कर लेते हैं सेकेंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, वो है कि आपके घर की कॉस्ट कितनी है, जो कि बताएंगे अरविंद। ठीक है तो भाई एरिया जो है लगभग आई थिंक 110 मीटर स्क्वायर के आसपास है एरिया, और कॉस्ट जो है वो है जी नॉर्वेजियन, मैं बताता हूँ 35 लाख नॉर्वेजियन क्रोनर्स। अब उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, अगर आप 8 से कन्वर्ट करेंगे तो वो 2.8 करोड़ होता है, अगर 9 से करेंगे तो लगभग 3 करोड़ INR के पास आसपास जो है ये घर हमें पड़ा। तो ये सुनने में बहुत बड़ी रकम लगती है बट आई थिंक इट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि इंडिया में भी जो है घर 35 से 40 लाख के आसपास मिनिमम मिलते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा ही राइट। पर मेरे को लगता है कि हमें एक घर काफ़ी अच्छे प्राइस में पड़ा है और इतने बड़े घर के लिए ये
प्राइस आई डोंट थिंक इतना ज्यादा, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूँ आपको, जो जिन बिल्डर ने ये घर बनाया है उन्होंने यही घर सेम एग्जैक्टली सेम यही घर जो उन्होंने बोला जहाँ हम पहले रहते थे उस एरिया में जो है ये घर है 7 करोड़ का, तो हमें जो है लगभग आधे प्राइस पे मिला। डेफिनेटली ऑस्लो से हम थोड़ा बहुत दूर जा चुके हैं, नॉट थोड़ा बट ये है कि ट्रेन में जर्नी इतनी दूर नहीं लगती। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको घर का अच्छा लगा, और आपके पास कोई सजेशन है कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं ये कर सकते हैं तो हमें बताइएगा जरूर। अब जब हमारी बालकनी सेट होगी तो हम आपको एक और बालकनी का टूर देंगे, बारबेक्यू, जब उस पे बारबेक्यू करेंगे, बारबेक्यू करेंगे, यस। और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जरूर बताना मेरे घर में तकिए कितने हैं। आई थिंक सो, ओके सो गाइस थैंक यू सो मच कि आपने हमारे साथ हमारा घर देखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, चाय पी के जाना गाइज। वर्चुअल टी, वर्चुअल टी। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, हमें आप लोगों की सपोर्ट जो है वो बहुत ही अच्छी लगती है, सो थैंक्स दोस्तों। ये जो YouTube की फैमिली है वी रियली लाइक इट, यस। एंड जो लोग न्यू है जो पहली बार इस वीडियो को देखते हैं प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्ते फ्रॉम नॉर्वे।